लोगों में से चार लोगों की हत्याएं कर चुके हैं, दो लोग अभी जेल में बंद हैं। इसके अलावा इनके कुछ साथियों के साथ में जिनकी दुश्मनी रही है या इनके कुछ अन्य व्यक्तिगत कारण रहे हैं, उनकी वजह से भी इन्होंने हत्याएं की। जेल भेजे गए थे तब कई समाचार पत्रों के द्वारा इनको साइको किलर की संज्ञा दी गई थी, और निश्चित रूप से जब कोई एक व्यक्ति इतने कम समय अंतराल में निरंतर इतनी हत्याएं करता है तो उसको साइको किलर की संज्ञा दी जा सकती है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी का ताल्लुक हिंदुस्तान के एक छोटे से कस्बे से है। ये कस्बा हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में वाक़ है। इस कस्बे का नाम है फुर्सतगंज। फुर्सतगंज नाम का ये छोटा कस्बा एक निहायत ही खूनी खेल में रंगा हुआ था। कस्बे के लोग शाम होने से पहले ही अपने घरों में सहम जाते थे। शाम होते ही इस छोटे से कस्बे की सड़कों पर एक खूनी सीरियल किलर का राज होता था। ये सीरियल किलर कहीं भी किसी को भी अपनी गोली का निशाना बनाता था और चुप से खुद सुकून की नींद सो जाता था। गिरफ्तारी के बाद जब इनसे बेगुनाह लोगों को कत्ल करने का सबब पूछा गया तो इसने एक हैरान कर देने वाला इंकशाफ किया। इसने बताया वो लोगों को इसलिए कत्ल करता था क्योंकि इसे कत्ल करने के बाद बहुत ही सुकून महसूस होता था। और वो आराम से गहरी नींद के मजे लेकर सो सकता था। अगर किसी रात वो सीरियल किलर किसी मासूम इंसान की जान न ले तो इनको नींद नहीं आती थी। इस शैतानी सोच के मालिक सीरियल किलर का नाम था सदाशिव साहू। उदेड़ उम्र का एक कातिल शाम डलते ही फुर्सतगंज की सुनसान सड़कों पर अपने पिस्तौल के साथ नमूदार होता और राह चलते किसी को भी अपनी गोली का निशाना बनाता और खुद सुकून से गहरी नींद के मजे लेता। इस सीरियल किलर की खूनी कहानी ने फुर्सत गंज की फिजा को मुकम्मल तौर पर खौफ के बादलों में कैद कर रखा था। इस खौफ की वजह से लोगों ने रात के वक्त घरों से निकलना ही बंद कर दिया। बस इसी खौफ ने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इंतहाई इकदाम उठाने पर मजबूर कर दिया। दिसंबर 2004 में पुलिस ने एक 45 साल शख्स को सीरियल किलर के शुबे में गिरफ्तार किया। ये शख्स इस एरिया में कपड़ों का व्यापारी था। इस सीरियल किलर के हमसायों के मुताबिक सदाशिव साहू एक निहायत ही खामोश तब और मजहबी रुझानात रखने वाला कपड़े का व्यापारी है। सदाशिव साहू ने दौरान तफ्तीश ये कबूल किया कि इसने 40 से जायद उदेड़ उम्र के लोगों को अपना शिकार बनाया है। इनकी गिरफ्तारी के बाद फुर्सतगंज में खौफ के बादलों की गिरफ्त कमजोर पड़ती गई और एक बार फिर से सड़कों पर रात की रौनकें बहाल होने लगी और इस सीरियल किलर सदाशिव साहू के साथ खौफ भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हुआ। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।